बीते 4 से 5 दिन से चक्रवाती तूफान तौकते ने महाराष्ट्र और गुजरात के इलाकों में अपना व्यापक असर दिखाया। 2 दिन की तबाही के बाद अब ये तूफान शांत हो गया है, लेकिन अपनी निशानी छोड़ गया है। मंगलवार को तूफान की चपेट में आए अरब सागर में मौजूद नावों पर फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। भारतीय नेवी द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन में सैकड़ों लोगों की जान बचा ली गई, जबकि अब भी कुछ लोगों को बाहर निकालना बाकी है। लेकिन अब भी गुजरात में बहुत ज्यादा असर दिखाई दे रहा है, लोग दहशत में नजर आ रहे हैं। मुंबई से कुछ दूरी पर फंसी बार्ज P305 पर कुल 273 लोग फंसे थे, जिन्हें निकाला गया। मंगलवार तक करीब 180 लोगों को निकाल लिया गया था, जबकि बाकी को निकालने का काम जारी है। करीब 93 क्रू मेंबर्स हैं जिनकी तलाश अब भी जारी है। इस बार्ज के अलावा GL कंस्ट्रक्शन पर भी क्रू मेंबर करीब 72 घंटे तक फंसे रहे। जब तूफान ने अपनी दस्तक दी, यहाँ भी भारतीय नेवी ने ऑपरेशन चलाकर लोगों को निकालने का काम किया। सबसे अच्छी बात ये रही कि सभी को निकाल लिया गया है। इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय नेवी के कई जहाजों ने कमान संभाली, जिसमें INS कोची, INS कोलकाता के साथ 20 बेचवा और टेक भी शामिल रहे। वहीं चक्रवाती तूफान तोकते का असर अब उत्तर भारत के मौसम पर भी दिखने लगा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से हल्की बारिश हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के कई इलाकों में भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में 19 और 20 मई को बारिश होने और मौसम बदलने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अतरौली, जटारी, खूंजा, आगरा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मथुरा, बरसाना, नंदगांव, राजस्थान के कोटपुली, खैरतल, भिवारी, महानीपुर, बालाजी, महावा, नागौर, अलवर, भरतपुर, डींग में अगले कुछ घंटों में बारिश होने की संभावना है और तूफान आने की भी संभावना है। हल्की बारिश के साथ आंधी भी आ सकती है।